हाँ जी, मेरी छोड़ी कितने चली आ? हैं कितने छूले चली आ इन्ने पैसे लेके? वाह जी वाह। अच्छा मिले आई आ? अच्छा हूँ तो 10 रुपये लेने हैं। 10 रुपये लेने हैं? आ दवा, आ जाओ भी आ जाओ। फिर पता रज नहीं बनता जी। हाँ 10-20 रुपए ना कि बाद में होंगे वा कि मैंने 40-50 रुपए जोड़ा वा ना दिते जा तो फिर मैं जावा स्कूल। तो आ चुक लो 10 रुपए। चलो हाँ जी, पापा ने भी हम दस्यो कि मैं 10 रुपए लाए आ। अच्छा चोरी चोरी नहीं लैके जाइए होंगे? अच्छा जी, ये बहुत दाऊ पेज लगाती है साड़ी जी हैगी है ना छोटी धोती। इधर मेरी तरफ देखो, कुरान पाक का पढ़ते होंगे? अच्छा मैडम पढ़ाते होंगे? अच्छा बहुत अच्छी बच्ची मेरी बेटे। अच्छा जी उधर जिधर ये स्कूल में जाती है ना ये कुरान पाक फिर उधर ही पढ़ती है मेरी लाडो रानी। इधर करो फेस, कितना सोहना लग रहा है मेरा बच्चा। चलो शाबाश जाओ, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बोल के जाया करो सब ना सलाम लेके। चलो सब ना सलाम लो, अल्लाह हाफिज बोलो सब नो। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। अच्छा जी, सुबह सुबह का टाइम है और जैसा कि कल मैंने वीडियो में दिखाया था कि हमने सारा इधर से लेवल करना है और काम वगैरह हो गए थे। कल हमने सारे काम फिनिश किए हैं, उसके बाद अब इंशाल्लाह इंशाल्लाह सबसे पहले कुछ मीठा लेके आता हूँ, ठीक है ना? मीठा खा के और तकसीम करके जो है ना वो मेरे ख्याल के मुताबिक वो करते हैं लोग शुरुआत, क्योंकि मीठे को जो है ना वो अच्छे शगुन के तौर पे माना जाता है। मतलब कि शुरुआत मीठे से करनी चाहिए, अच्छी मानी जाती है। और इंशाल्लाह तकसीम भी करूँगा इधर, तो वो भी करते हैं। अभी सुबह सुबह के टाइम में कुछ मिलेगा नहीं मीठा, क्योंकि मीठे में या तो स्वीट है या फिर घर में कुछ बनाया नहीं। लेकिन उसके साथ साथ है अड्डे से मिलेगा तकरीबन 10-11 बजे तक, फिर मैं इंशाल्लाह लेके आता हूँ और फिर उसके बाद सारा इधर से तकसीम करेंगे। फिर इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह अल्लाह का नाम लेके यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सब बहन भाइयों ने लाजमी दुआ करनी है कि जो मैं घर बनाने लगा हूँ उसके लिए कि अल्लाह ताला खैर वाफियत के साथ जो है ना मेरा घर बनवाए, ठीक है? और अल्लाह ताला अपना ख़ास करम रखे और ये घर मेरा बन जाए यहाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये सारी जगह आज लेवल करने के लिए स्टार्ट कर देना है, ठीक है? अब्बू जी को बैठाएंगे ट्रैक्टर पे क्योंकि और भी काम है, हम वो भी करते रहेंगे साथ साथ। ये देखिए ये रेत के टीले हैं, ठीक है? या फ़र्क देख लें, इतना फ़र्क है, ठीक है? तो ये मिट्टी जो होती है ना, जब इसके साथ लगे ना बंदा मतलब काम ये लेवल वगैरह करने के लिए, तो तब पता चलता है। तो ये काफ़ी है, लग जाएंगे कुछ दिन हमारे लेवल करते हुए, लेकिन करना तो है ना जो भी है। हाँ जी अम्मी जी, चलो मैं पहले मीठा दे तो पता करा मीठे चलो अम्मी जी की लिया वा? जलेबिया वा, बदाना वा, बर्फी वा? ताजिया ते 12-1 बजे देंगे ओहो की। चलो ठीक है मैं ले आवा। जलेबियां मुकियां हुई सी, ते ओ कहंदा सी अद्धे घंटे तक, ते उहने मैनूं जित तक लगदा सी घंटा डेढ़ लाना सी।
फिर मैं तू बदाना ही दे दे सानू, ये से नमक पा रहे या दूसरे वह भी पवा के लिए आया वा। तो आप जमैर एक मोइज़ में दे दो, तो आप मैविश भी दे दियो ले लो, छोटा मोइज़ में दियो, छोटा दियो मोइज़ में, मोइज़ काका साडा बच्चा वा ना। हाँ जी नमक पा रहे भी है भी, तो हूँ जरा वा ना जी मोइज़ वास्ते आप भी मैविश वास्ते। हाँ जी भाई मैविश कुड़ी ले होना तो याद रखी हवा भरे दे पैसे लंदे आ। चलो आज लग जानियां दो तीन टैंकियां। खगल चंगे भले पूरे हो जाने विच। या अल्लाह अपना करम करना। अच्छा जी करने लगे हैं अबू जी शुरू, टायरों में हवा भी ज़्यादा है ठीक है ट्रैक्टर की, तो ये तंग करेंगे, यहाँ बारिश भी नहीं हुई ये देख लें, ये ना तंग करेंगे। पहले जो है ना अबू जी करेंगे खड्डे शड्डे जो है ना इधर इन्हें पूरा, उसके बाद फिर जो है ना जिस तरह ये खड्डा है इनको इनमें मिट्टी करेंगे, उसके बाद फिर वो जो है ना अबू जी लोग शुरू करेंगे। हाँ जी अच्छा जी मेरी जगह यहाँ तक बनती है, यहाँ तक तो मैं लेवल करवा रहा हूँ, लेवल होने के बाद जो है ना वो फिर इंशाल्लाह घर शुरू करेंगे। अम्मी जी अबू जी घर जिस तरह ले आ रहे इतना बहुत टाइम लगना, वो उधर सिदल जान बैग ही वापस ले आके फिर गड्डी खिंचन, इतना टाइम लगना ज़्यादा जिदा अबू जी खिंच रहे हैं, वो तो फ्रंट तो शुरू तो लगा ना ते उतो ना उतो ही रख रख के खिंचन परे, इदा दे देर लगनी है नाले अबू जी के खड्डे पूरे कर लो ते पहले वो परली नुकर खिंचो फिर।
ਹਾਂ ਜੀ ਸੋਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਅੱਲਾ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਸੋਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਸੋਨਾ ਘਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਤੇਰਾ ਹਾਂ ਜੀ ਆਹ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਭਾਰ ਲਾਉਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਹਣਾ ਫਿਰ ਲੈਤੀ ਆ हाँ जी बहुत खुशी है मेरा पुत्र अपना खुद घर बनाने लगा है। हाँ जी बस जी फिर अम्मी जी मामा खुशी तो होंगी है ना जो पुत जरा वा ना कमा के अपना खुद अपना कर लेना। हाँ जी मैं अबू जी ने पता क्या किया अबू जी उधरों कमा के लिया इदा गुलाई च मैं क्या इदा नहीं इधरों बैग ले जाओ है नहीं अबू जी इधरों जाते हैं उत्तों की लिया वाला जहाँ हाँ मैं क्या परली साइड सिर्फ पहला खिंचते आओ सारी टक दे के। अच्छा जी टायर में हवा ज़्यादा है तो मज़ा नहीं आ रहा सही क्योंकि रेत है तो टायरों में हवा ज़्यादा हो तो ये ट्रैक्टर जो है ना फिर बहुत तंग करता है। भाई जवेद आए हैं वो हवा निकाल रहे हैं अब टायर से तुसी ऊपर बैठ गए हैं झूठे लैन गए हैं हाँ जी झूठे लेने हैं। अच्छा जी हम भी जब इस तरह के थे ना मोहित जितने हम भी यही काम करते थे ट्रैक्टर पे बैठे रहना सारा दिन। मैं कहना इतने कच्चे जी खिंचने इतने हवा चंगी काम कर लो फिर आ जानी नीचे गीली मिट्टी आओ नीचे मईज। अच्छा जी मैं इस तरह कह रहा था जिस तरह भाई जवेद ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं कि जहाँ तक आते हैं वहीं से खींच खींच के आगे लेके जाएं इस तरह फिर जो है ना वो जगह बनती जाएगी। भाई जवेद ने मोइस को भी पकड़ा हुआ है अच्छा जी रेत है ना इस वजह से ट्रैक्टर बैक नहीं आ रहा इस तरह जिस तरह मैंने बोला था ना देखिए अब इस तरह जल्दी जल्दी जो है ना ये ख़त्म होता ही जाएगी अगर इधर से लेके जाएं उधर से घुमा के दोबारा फिर से लेके आए ना तो वो टाइम बड़ा लगता है इस तरह जल्दी जल्दी जो है ना काम ख़त्म होता जाता है।
अच्छा जी भाई, अबू जी आए थे, भाई जवेद ने कहा अबू जी कुछ देर मैं करता हूँ उसके बाद फिर आप कीजिएगा, क्योंकि ऊपर ऊपर से जगह भाई ने कहा मैं खींच देता हूँ ना, सॉफ्ट जगह है ये, थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो उसके बाद जो है ना आप सख्त जगह नीचे से निकल आएगी, फिर आप आराम के साथ जो है ना वो करते रहिएगा। अबू जी वो सामने लगे हुए हैं उधर, अबू जी को भी बड़ी खुशी है कि घर बनाने लगा मेरा बेटा, भाइयों को भी खुशी है, भाई जवेद है कि मैं करके देता हूँ। अच्छा जी ये 2-3 दिन हमारे लगेंगे, हो सकता है कम भी लगें या ज़्यादा लगें, जितना भी है जितना भी लगेगा, तो फिर बारी बारी जो है ना, कभी मैं, कभी भाई जवेद, कभी अबू जी, कभी भाई अब्बास, इस तरह हम लोग करते रहेंगे। सभी ट्रैक्टर चला लेते हैं, मैं भी चला लेता हूँ, भाई जवेद सबसे ज़्यादा चलाते हैं हमारे घर में, हम नहीं ज़्यादा ट्रैक्टर के करीब जाते, मैं भाई अब्बास भी चलाते हैं, अब मैं बिल्कुल कम जाता हूँ ट्रैक्टर के नज़दीक। अब जो है ना फिर करूँगा मैं भी, भाई जवेद जो है ना वो सही ट्रैक्टर की जो है ना वो अर्घ निकालते हैं, मतलब कि सही मंड देते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा ज़ोर लगवाते हैं ट्रैक्टर का, भाई अब्बास भी बड़ा ज़ोर लगाते हैं, भाई अब्बास का भी जो, अच्छा ये ना ड्राइवर भाई जो है उन्हें पता होगा कि किसे किसे का जिहड़ा पैर होंदा ना बड़ा भारा होंदा वा, वो ट्रैक्टर की जान कट दिंदा वा, ट्रैक्टर होवे, कार होवे, मोटरसाइकिल होवे, उस चीज़ च भाई अब्बास साडे का पैर बहुत भारा वा, और ट्रैक्टर चलाए या जड़ी चीज़ भी चलाए ना तो बस करा देंगे ट्रैक्टर की, ट्रैक्टर इदा जड़ा ना स्मैल छड़ दिंदा वा। मोइज अबू जी भी लगे हुए हैं जल्दी जल्दी कि सारा इधर से, अबू जी को जल्दी है कि यहाँ सारा लेवल हो जाए, उसके बाद जो घर है ना नज़र नहीं आता, तो ये सारा नज़र आएगा, बहुत प्यारा घर लगेगा, मैं आपको छत पे जाके ना दिखाऊंगा इंशाल्लाह। अभी इतनी इतनी खींची जा चुकी है, एक एक फुट खींची जा चुकी है, ठीक है।